children, today we are going to learn exercise C. In the last class, I had given to you five sums of the mathematics rational number exercise till 1C of Selina book. Five numbers I have given to you. Today I am going to give you from 6 to 50 number is your task. So please do that and ask me your doubt as much as you can. Bhav also asked me from the B exercise some doubts. I am going to pose that. Let me make you understand the doubts. And let me show you its answers first, then after that, class videos. Here is a question. Bhav had asked me, 3 Roman B2, sir. 2 root over 4 plus 2 is equal to 6. Is that correct or not? 3 Roman B2 he had asked me, along with the 5 number and 6 number he had asked me. So I am going to solve that for you. Here is the answer. You can see, 2 root over 4 plus 2 is equal to 6. Root over 4 equal how much? Root over 4 means 2, you know. So that means 2 into 2 is 4. 4 plus 2 is 6. 6 is a rational number. And it is also there in the right hand side. That's why it is correct. Now 5 number he said that he has not understood. So let me make him understand again. So Vaibhav, what to do? Here in 5 number, like 5 number, 6 number also. And even 5 number ka Roman B2 1 jo hai. रूट ओवर 2 के लिए या रूट ओवर 3 के लिए प्रूव करना है इरेशनल नंबर है बोल के. कंट्राडिक्शन मेथड को थोड़ा गौर से याद रखो उसे. जो भी हमें पूछता है लाइक रूट ओवर 5, रूट ओवर 7, रूट ओवर 10 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव इट बाय यूजिंग द कंट्राडिक्शन मेथड. देन इन दैट केस यू हैव टू एज्यूम दैट रूट ओवर 5 और रूट ओवर 2 व्हाट एवर इज गिवन टू यू एज one of the rational number, let it be p by q or let it be m by n or let it be a by b, whatever you can take. Make it squaring both sides. Why? Because हमें root over नहीं रखना है यहाँ पे, हमें उससे elimination करना पड़ेगा root over. Root over को काटने के लिए हमें squaring करना पड़ता है. तो root over 5 square equal p square q square है, p square by q square. Root over 5 square equal to 5, 5 is equal to p square by q square. Now p square equal how much children? 5 q square है. That means ये मैं थ्योरम में भी लिख चुका हूँ, जो कि आगे से थ्योरम भी दिया गया था. बाबा प्लीज सी द थ्योरम. इफ पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5 देन पी इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 5. जैसे कि पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर है, सिमिलरली पी भी मल्टीपल ऑफ 5 रहेगा. दैट इज पी इज इक्वल टू, हम दोबारा चुनके यदि मल्टीपल ऑफ 5 है तो 5 एम ले जाते हैं, तो पी स्क्वायर क्या होगा? 25 एम स्क्वायर. लेकिन देखो आगे से पी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ चुका है. फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट बॉक्स है 5 क्यू स्क्वायर आया था, तो उसे एज्यूम करो क्यू स्क्वायर इक्वल 5 एम स्क्वायर लेकर आया ना. क्यू भी क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 ना. ये कंट्राडिक्शन मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि तुम्हें यहाँ पे दिखाना है कि बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पी एंड क्यू आर सेम मल्टीपल्स. मतलब पी एंड पी का जो फैक्टर है, क्यू का भी उसे वही फैक्टर है, दोनों के पास सेम फैक्टर है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? एक फ्रैक्शन, एक रेशनल नंबर जिसके पास उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यदि मल्टीपल और द फैक्टर सेम होगा तो हम उसे बोलेंगे और उसे रेशनल नंबर नहीं बोला जाएगा. दैट्स व्हाई सो पी एंड क्यू बोथ आर हैविंग द फैक्टर्स एज 5 एंड दैट्स व्हाई दिस कंट्राडिक्ट्स दैट रूट ऑफ 5 इज ए रेशनल नंबर, इट विल बिकम ए इरेशनल नंबर. सो दिस इज द वे हाउ यू विल बी डीलिंग इट इन बाइबल. देखो बच्चों, 4 रोमन बिट 3 लास्ट टाइम 5 नंबर तो दिया था, यहाँ से भी कुछ नंबर में बता रहा हूँ. 4 रोमन बिट 3, 3 बाय रूट ओवर 3 माइनस रूट ओवर 2 इज इक्वल टू ए रूट 3 माइनस बी रूट 2. सो देखो क्या हुआ, 3 बाय रूट ओवर 3 माइनस रूट ओवर 2 इक्वल टू ए रूट 3 माइनस बी रूट 2. नाउ 3 बाय रूट ओवर 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू इन टू मल्टीप्लाई कीजिए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 2 से, क्योंकि हम लोग को डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मर में लेकर आना पड़ेगा. तो 3 रूट 3 इन टू 3 रूट 2 आया इक्वल रूट 3 स्क्वायर इज रूट 3 रूट 3 इक्वल टू 3 आ जाता है. रूट 2 रूट 2 2 3 माइनस 2 इक्वल टू ए रूट 3 माइनस बी रूट 2. नाउ क्या बच्चा बच्चों यहाँ पे ना ए 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 इक्वल ए रूट 3 माइनस बी रूट 2, तो मतलब ए रूट 3 के साथ 3 रूट 3 कंपेयर होगा प्लस ये रूट 2 भी यहाँ पे ए रूट 3 इक्वल 3 रूट 3, रूट 3 रूट 3 कैंसिल हुआ, ए रूट 3 आया. 3 रूट 2 इज इक्वल टू माइनस बी रूट 2, तो रूट 2 रूट 2 कैंसिल हुआ, बी इज इक्वल टू 3 माइनस इस तरफ माइनस 3 हुआ, तो बी इक्वल टू माइनस 3 द आंसर. सिमिलरली 5 रोमन बिट 1,
देखिए 5√1 बोला गया कि सिंप्लीफाई 22/2√3 +1 +17/2√3 -1। नाउ एलसीएम निकाल दीजिए, 2√3 +1 एंड 2√3 -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिकॉज द बोथ द डिनोमिनेटर्स आर मल्टीप्लाइंग दैट्स व्हाई यू कैन मल्टीप्लाई ऑल्सो न्यूमरेटर द डिनोमिनेटर इन द क्रिस क्रॉस 22 ऑफ 2√3 प्लस माइनस 1 प्लस 17 ऑफ 2√3 प्लस 1। 22 जा 44√3 माइनस 22 34√3 प्लस 17 बाई 2√3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। नाउ यू आर गेटिंग 44√3 प्लस 34√3 78√3 माइनस 22 प्लस 17 इज माइनस 5 बाई 2√3 स्क्वायर इज 12 माइनस 1 इज 11 78√3 माइनस 5 बाई 11 इज आंसर। सिक्स नंबर इज सेम इज सेवन नंबर, सेम नंबर सेवन नंबर देखिए बच्चों, क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप लोग, मैं भेज भी चुका हूँ आप लोगों को क्वेश्चन। एम इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2√2 एंड एन इक्वल टू 1/3 प्लस 2√2। एम स्क्वायर निकालना है, एम स्क्वायर इक्वल टू 1/3 माइनस 2√2 होल स्क्वायर। ना एम स्क्वायर इज इक्वल हाउ मच चिल्ड्रेन, ना एम स्क्वायर जब आप लोगों को ये दिया जा रहा है तो वो स्क्वायर ही रखिए आप अपने पास, बट रेशनलाइज कीजिए डिनोमिनेटर को, मल्टीप्लाई बाय द सेम क्वांटिटी 3+2√2 एंड 3+2√2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो 3+2√2 होल स्क्वायर, जैसे कि स्क्वायर ऊपर है नीचे भी देखिए क्या हो रहा है, नीचे भी 3 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, एस 3 स्क्वायर माइनस 2√2 9 माइनस 8 रो होल स्क्वायर। ऊपर भी स्क्वायर था, ये भी नीचे भी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं यहाँ पे। सो एम स्क्वायर क्या मिला, 9+8 3 स्क्वायर 9 2√2 स्क्वायर इज 8 प्लस 2 3 6 2 12√2 सो 9+8 17 +12√2 इज द आंसर। सिमिलरली एन स्क्वायर पूछा गया एंड एम एंड एन भी पूछा गया, एन स्क्वायर इक्वल हम 1/3 +2√2 स्क्वायर कीजिए, जिससे मैंने ऊपर किया था एम स्क्वायर को, वैसे करने से आप लोगों को मिलेगा 17 माइनस 12√2। एम एन निकाल दीजिए, एम एन इज इक्वल टू मच ना न्यूमरेटर जो एम का वैल्यू है 1/3 माइनस 2√2 है ऊपर एंड एन का जो वैल्यू है 1/3 प्लस 2√2 है। देखिए एम का वैल्यू है 1/3 माइनस 2√2, एन का वैल्यू 1/3 प्लस 2√2 दिया गया था हमें, वो मल्टीप्लाई कर दीजिए उसे, करने से 1/3 स्क्वायर माइनस 2√2 स्क्वायर 9 - 8 1 1/1 इज 1 इज द आंसर। सिमिलरली आप लोग कीजिए, जो 15 नंबर तक जो डाउट है मुझे पूछ लेंगे आप। थैंक यू, हैव ए गुड डे।